पूर्वोत्तर रेलवे के अति महत्वपूर्ण रेल स्टेशन तुलसीपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर गत वर्ष सीमेंट में प्रयुक्त होने वाला प्रदूषित खनिज क्लिंकर का रेक लगा। क्लिंकर के उतरने से तथा उसके धूल से चर्म रोग, खुजली, दाद, अस्थमा, सांस की नली में जकड़न, खांसी व काला काला बलगम आसपास के रहने वाले नागरिकों को होने लगा। एक माह के अंदर क्लिंकर का प्रदूषित धूल पांव पसारने लगा। रेलवे के समीप बॉयज एंड गर्ल्स इंटर कॉलेज, एसएसबी कैंप, आबादी क्षेत्र गुरुद्वारा, नगर पंचायत कार्यालय तथा थाना कार्यालय और सबसे महत्वपूर्ण तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित है, जो 1 किलोमीटर की परिधि में है, वह भी चपेट में आने लगा। क्लिंकर का धूल गुब्बार बनकर उड़ने लगा। जनजीवन पर भारी असर दिखने लगा। नगर के नागरिकों के साथ समाज से भी सुखदेव चौरसिया रेल विभाग से काफी अनुनय के बाद क्लिंकर का अनलोड न रोकने पर 11 जून 2017 को स्टेशन के समीप भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। स्टेशन अधीक्षक डीएस मीणा ने यह लिखित पत्र देकर आश्वासन दिया कि अब क्लिंकर नहीं उतरेगा तथा भूख हड़ताल तुड़वा दी गई। 1 वर्ष तक क्लिंकर का रैक आना भी बंद हो गया, परंतु 17 अप्रैल 2018 से रैक फिर आने लगा। तुरंत रेल मंत्री सहित रेल विभाग को प्रदूषण से मुक्ति का याचना पत्र दिया गया, मगर रेक पर रोक नहीं लगी। न ही विभाग ने पदोत्तर उचित समझा। व्यवस्था में सुखदेव चौरसिया ने 24 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री भारत सरकार को ट्वीट कर तथा पंजीकृत डाक सेवा माननीय अटल जी के प्रथम बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा तुलसीपुर से जो विजय यात्रा प्रारंभ कर राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने तक के जनप्रिय नेता व माननीय नानाजी देशमुख का भी बलराम क्षेत्र होना तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वितीय धार्मिक उपासना केंद्र देवीपाटन का हवाला देते हुए 51 शक्तिपीठ देवीपाटन के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं। जहरीले क्लिंकर पदार्थ पर त्वरित हस्तक्षेप कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 से पूर्व हस्तक्षेप कर लोड अनलोड से मुक्ति दिलाने की तुलसीपुर वासियों के तरफ से मांग पत्र दी है। साथ ही प्रेस प्रति जारी करते हुए आबादी से हटकर किसी अन्य रेल स्टेशन पर क्लिंकर पदार्थ को उतारने की अनुमति जारी करने की अपील की है तथा यह भी कहा है कि मांग अनसुनी कर रेल विभाग अपने राजस्व को बचाने के लिए हट धर्मिता पर उतारू रहा। तो योग दिवस जो युक्त प्लेटफॉर्म पर 21 जून को मनाया जाता है, तत्पश्चात सांकेतिक भूख हड़ताल 1 दिवसीय नागरिकों के साथ कर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। रेक स्थानांतरण इसके बावजूद ना किया गया तो क्रैमिंग अनशन किया जाना प्रस्तावित है। चौरसिया के इस जन आंदोलनकारी मुहिम में नगर के शिक्षक, चिकित्सक, व्यवसायी, छात्र छात्राएं, कर्मचारियों, नागरिकों का अपार जन सहयोग मिल रहा है। उनका यह भी कहना है कि हमारी लड़ाई रेल राजस्व की व ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना कतई भी नहीं है, अपितु व्यवस्था सुधारना और तुलसीपुर को स्वस्थ रखना मात्र है, इससे इतर कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि महंत देवीपाटन योगी मिथिलेश नाथ ने कहा है कि कवरिंग लेटर के साथ पीएम व सीएम सहित डीआरएमजी एम रेलवे को भी स्वयं पत्र भेजकर नागरिकों के जानमाल स्वास्थ्य हेतु संभव सहयोग करेंगे। पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह, जो प्रदेश बीजेपी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, ने भी कड़ी मेहनत करते हुए प्रदेश से केंद्र तक निराकरण कराने में सहयोग करने का आश्वासन चौरसियों को दिया है। 2017 में इसी रेलवे स्टेशन पर क्लिंकर का रैक लगा था, जिसके वजह से भारी बीमारियां पनपी थी और इसके विरोध में हमने अपने नगर वासियों के साथ भूख हड़ताल की थी। स्थानीय रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने कहा था कि अब भविष्य में तुलसीपुर में क्लिंकर नहीं उतरेगा, जिसका रिटर्न लेटर भी मुझे दिया गया था। परंतु इधर 17 अप्रैल 2018 को पुनः रेक प्रभावी हो गया है, जिसके कारण भारी बीमारियां पनप रही हैं। 1 किलोमीटर के चौहद्दी में सारे कार्यस्थल ऐसे हैं जो जन समुदाय से जुड़े हुए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के पास में गुरुद्वारा, थाना, नगर पंचायत कार्यालय और गर्ल्स बॉयज इंटर कॉलेज और व्यापारिक व्यावसायिक